हेलो चिल्ड्रन, आज आप लोग करने जा रहे हैं कल्चरल चेंज का पार्ट 3 सोशियोलॉजी सीबीएसई क्लास 12 का दीपाली श्रीवास्तव मैम के साथ। तो इससे पहले जो कल्चरल चेंज का 1 और 2 पार्ट है, उसमें हम लोगों ने सेंसिटाइजेशन के बारे में और कल्चरल चेंज किस किस रीज़न से आया, कैसे आया और किस तरीके से सोशल रिफॉर्मर्स भी उससे उन्होंने मदद करी चेंजेस लाने के लिए, वो सब हमने पढ़ा है। और इसके अलावा जो पहली वाली बुक है इंडियन सोसाइटी, वो भी पूरी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। होपफुल हैं कि आपने उसको ज़रूर देखा होएगा। और अगर जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने अभी तक नहीं देखा है, तो अभी ये जो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ पे जाकर आप जितने भी पुराने प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं जो भी चैप्टर्स पहले कर चुके हैं। और न्यू कमर्स के लिए फिर से बता दें कि ये जो चैप्टर्स हैं इसमें कोई भी ऐसा कंटेंट, चाहे वो बॉक्स का इन्फॉर्मेशन हो और चाहे वो अदरवाइज कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि इसमें कवर नहीं करा गया है। ये आप इसको अपनी एक ऑडियो बुक की तरह समझ के इसको सुनिए, समझिए। और ये तो बात इवन साइंटिफिकली प्रूवन है कि इंसान जो बात सुनता है उसको ज़्यादा देर तक रिटेन कर पाता है। तो आप इसको सुनिएगा, 2-3 बार सुनिएगा और आपको ये ऐसे ही याद हो जाएगी जैसे कि कोई किताब में ही लिखा हो, और फिर तो आपको मार्क्स लाने में परेशानी होगी ही नहीं। आज हम लोग इस कल्चरल चेंज के पार्ट 3 में हम लोग करने जा रहे हैं वेस्टर्नाइजेशन और सेक्युलर, ये सेंसिटाइजेशन का क्या तालमेल है, क्या रिलेशनशिप है, ये हम लोग इसमें करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें, आपको रिक्वेस्ट है कि आप, क्योंकि जो बाकी जो फाइन आर्ट्स वाला है वो तो काफ़ी बच्चे उससे बेनिफिट कर रहे हैं, लेकिन ये सोशोलॉजी वाला जो चैनल जो वीडियोस हैं उसमें मेहनत तो बहुत लग रही है लेकिन उतना व्यूअरशिप नहीं हो रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके दोस्त हैं उन सब लोग को रिकमेंड करिए, जिससे वो भी इसको, इसमें से जितना फ़ायदा हो सके वो उठाएं और ये चैनल को भी व्यूअरशिप का बूस्ट मिले और हम भी मोटिवेटेड हों आगे अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए। तो अब शुरुआत करते हैं वेस्टर्नाइजेशन। वेस्टर्नाइजेशन जैसे कि नाम ही सजेस्ट करता है, तो आधी बात तो हम लोगों को नाम से ही समझ में आ जाएगा कि वेस्टर्नाइजेशन से हम क्या कहना चाहते हैं। तो जो वेस्टर्नाइजेशन है वो MN श्रीनिवास, जो कि एक बहुत फेमस सोशोलॉजिस्ट हुए थे, तो उनके हिसाब से अगर सिंपल टर्म्स में देखा जाए तो वो है द चेंजेस ब्रॉट अबाउट इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर एज अ रिजल्ट ऑफ 150 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल। तो जो भी चेंजेस जो इंडियन सोसाइटी में आए, इंडियन कल्चर में आए, क्यों आए, 150 साल जो ब्रिटिश सरकार का जो राज्य चला है उसके कारण जो आए, उसमें वो जो चेंजेस हैं उनको हम वेस्टर्नाइजेशन बोलते हैं। अब वेस्टर्नाइजेशन भी अलग अलग तरीके के होते हैं, और जो वेस्टर्नाइजेशन ये किस किस तरीके के होते हैं ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम के लिए। ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी बॉक्स में है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन तो अब तो होएगी ही कि CBSE ने डायरेक्टिव दे दिए हैं कि जो इस चैप्टर का नाम दिया है उसमें जो भी कुछ है सब कुछ आएगा। और NCERT की बुक के आगे जो दिया हुआ है कि इस बुक में इस कलर वाले बॉक्स का जो है वो इवैल्यूएशन के लिए है, वो इवैल्यूएशन के लिए नहीं है, उसका कोई भी मतलब नहीं है। इसीलिए ये जो हमारे लेक्चर्स हैं इसमें हमने हर एक चीज़ इंक्लूड करी हुई है, और ये जो वेस्टर्नाइजेशन के डिफरेंट काइंड्स हैं ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है। One kind refers to the spread of westernization by a minority section of Indians who first came in contact with the western culture. तो ये जो इस तरह का westernization है जो कि बहुत ही कम लोग, जो Indians जो थे जो कि western culture के contact में आए, first सबसे पहले जो western culture के contacts में आए, वो लोगों ने जो westernization को जिस तरीके से अपनाया उसको बोलते हैं westernization. तो it was the western westernization, आप क्या लिखेंगे, बाई ए माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ इंडियंस हु फर्स्ट केम इन कॉन्टैक्ट विद द वेस्टर्न कल्चर। तो एग्जाम्पल कौन है, इंडियन इंटेलेक्चुअल्स और जो
इंडियन रिफॉर्मर्स हु नॉट ओनली फॉलोड द वेज ऑफ थिंकिंग एंड स्टाइल ऑफ लाइफ बट ऑल्सो सपोर्टेड इट्स एक्सपेंशन. तो ये इंटेलेक्चुअल्स जो थे, मतलब जो जो सोच विचार करते थे, जो पढ़े लिखे थे, जिनका दिमाग हर चीज़ में जो इंटेलिजेंटली सोचते थे, और जो रिफॉर्मर्स थे, वो सब ऐसे थे जो कि इनको जो वेस्टर्न कल्चर जो था वो फर्स्ट हैंड फर्स्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में मिला. या तो वो वहाँ पे पढ़ने गए उनके कंट्री में, या तो यहीं पे ही उन लोगों का डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, या फिर यहाँ से इन्होंने एजुकेशन जब ले रहे थे तब इनको वेस्टर्न कल्चर से डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ. तो ये ऐसे लोग थे जिन्होंने वेस्टर्न कल्चर के सिर्फ विचार ही नहीं अपनाए, उन्होंने उसकी जो उनकी स्टाइल ऑफ लाइफ थी उसको भी अपनाया, और जो वेस्टर्न स्टाइल ऑफ लाइफ एंड थिंकिंग थी जो वेस्ट उसको बढ़ाने की भी कोशिश करी, उसको लोगों तक पहुँचाने की भी कोशिश करी. ये एक तरीके का वेस्टर्नाइजेशन होता था. ये है पहला टाइप का वेस्टर्नाइजेशन. अब दूसरा क्या है, देर ओनली स्मॉल सेक्शन ऑफ पीपल हु अडॉप्टेड वेस्टर्न लाइफ स्टाइल और वर अफेक्टेड बाई वेस्टर्न वेज ऑफ थिंकिंग. लेकिन वेस्टर्न जो जो लाइफ स्टाइल है उसको अडॉप्ट करने वाले और उसकी जो जीवन का तरीका है, जीवन शैली है, उसको अपनाने वाले बहुत ही कम लोग हुआ करते थे. देर वॉज अ जनरल स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चरल ट्रेड्स सच एज द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ड्रेस, फूड एंड चेंजेस इन द हैबिट्स एंड स्टाइल ऑफ पीपल इन जनरल. तो लोग जो वेस्टर्न कल्चर था उसको किस तरह से अपना रहे थे, या तो उनकी टेक्नोलॉजी को अपना रहे थे, या कपड़े, या खाना पीना, या फिर उनके हैबिट्स और उनके स्टाइल, वो एक जनरल तरीके से उसको अपना रहे थे. तो ये हुआ जो पहले वालों का जो है, जो फर्स्ट वाले, जो कि थोड़े लोग थे जो कि कॉन्टैक्ट में आए वेस्टर्नाइजेशन के लिए. अक्रॉस द कंट्री अ वाइड सेक्शन ऑफ मिडिल क्लास होम्स हैव अ टेलीविजन सेट, अ फ्रिज, सम काइंड ऑफ सोफा सेट, अ डाइनिंग टेबल एंड अ चेयर इन द लिविंग रूम. तो आज भी हम लोग के घर में देखिए तो एक्चुअली, तो अगर देखा जाए तो भारत का ये कल्चर नहीं था जिसमें कि एक सोफ़ा पड़ा हुआ हो, डाइनिंग टेबल पड़ी हुई हो. जो हम लोग का लाइफ स्टाइल था वो अलग था. लेकिन हम लोगों में आज कौन सा ऐसा परिवार है जिसके घर में सोफ़ा नहीं हो, या फिर डाइनिंग टेबल ना हो, या फिर चेयर ना हो, या फिर जो ड्राइंग रूम ना हो, इसको लिविंग रूम भी बोलते हैं आजकल. जो भी मिडिल क्लास सेक्शन से में देख लें, सभी के घर में ये चीज़ पाई जाती है. तो ये लोग, लेकिन ये ऐसा नहीं था कि इनका खाने पीने का स्टाइल ये पूरा वेस्टर्न लोगों से अफेक्टेड था, लेकिन इनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिस्सा जीवन का था जो वेस्टर्न लोगों से अफेक्टेड था. तो वेस्टर्नाइजेशन कैन ओनली बी इमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ कल्चर एंड नॉट नेसेसरली द फॉलोइंग मॉडर्न वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी. तो ये वो लोग थे जो कि वेस्टर्न को, जो रिफॉर्मर्स तो जो थे वेस्टर्नाइजेशन को, उनका थॉट, उनका वे ऑफ लिविंग सभी कुछ उनको वो एक्सेप्ट करके उसको बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे थे. लेकिन जो मिडिल क्लास होम्स हैं, जो देखा जाए तो वो इस तरीके से नहीं कर रहे थे. वो बस उनके जो वेस्टर्न का एक्सटर्नल कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे थे, या तो उनकी टेक्नोलॉजी तो यूज़ कर रहे थे लेकिन उनकी जैसे जीवन शैली नहीं अपना रहे थे. ड्रेस पहन रहे थे, फूड उनका तरीके का खाने का उनको खा रहे थे, और टीवी था घर में, फ्रिज था, सोफा सेट था, डाइनिंग टेबल, ये सब चीज़ थी जो कि वेस्टर्न के लोगों के पास भी होती है. लेकिन ज़रूरी नहीं था कि वो उनके थॉट प्रोसेस को भी अपना रहे थे, वो उनके जीवन के जीने के तरीके को भी अपना रहे थे. जैसे कि अगर आज का एग्जांपल लें, तो अगर हम चाइनीज़ फूड खाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाइनीज़ जो सोच है वो भी हम अपनाते हैं. अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं लेकिन हम चाइनीज़ थॉट्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम उसकी तरह से ऐसा जीवन नहीं यूज़ कर रहे हैं, बिता रहे हैं, तो हम जो चाइना को हम एक एक्सटर्नल फॉर्म में अपना रहे हैं, हम उसको इन टोटालिटी नहीं अपना रहे. तो उसी तरीके से उस समय पे लोग जो वेस्टर्न जीवन था उसको एक्सटर्नल फॉर्म में कुछ लोग अपना रहे थे और पूरे तरीके से नहीं अपना रहे थे. ये दूसरा टाइप का वेस्टर्नाइजेशन हो गया. पहला वेस्टर्नाइजेशन हमने देखा इंटेलेक्चुअल्स और रिफॉर्मर्स का, जिन्होंने पूरी तरीके से वेस्टर्नाइजेशन को एक्सेप्ट किया, और ये वाला वो तरीका है जिसमें उन्होंने एक्सटर्नल फॉर्म के तरीके से ही अपनाया वेस्टर्नाइजेशन को.
इसके अलावा इन एडिशन टू वेज ऑफ लाइफ एंड थिंकिंग द वेस्ट इन्फ्लुएंस इंडियन आर्ट एंड लिटरेचर। तो एक तो रहने का सोचने का तरीका तो वेस्टर्न ने इन्फ्लुएंस किया, लेकिन जो वेस्टर्नाइजेशन 150 साल में इतना डेप्थ तक पहुंच गया था उसने हमारे आर्ट एंड कल्चर को भी अफेक्ट कर दिया है। एक समय तो ऐसा आ गया था कि इंडियन आर्टिस्ट ये भी सोचने लग गए थे कि उनका जो ट्रेडिशनल स्टाइल है वो सही नहीं है और जो जो वेस्टर्न स्टाइल है, जो जो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स को बनाने का जो उनका स्टाइल है वो ज़्यादा अच्छा है, उनके जो तरीके थे, उनकी जो टेक्नोलॉजी थी वो ज़्यादा अच्छी थी और वो उसी तरीके से करने लग गए थे। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ, चंदू मेनन एंड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वो सब अपने अपने तरीक़ों से कोलोनियलिज्म से तो लड़ाई कर रहे थे, जिसमें वो लोग एज एन आर्टिस्ट उन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश करी, लेकिन वो लोग भी कहीं ना कहीं उनके जो इन्फ्लुएंस अछूते नहीं रहे थे। वो लोग भी उनके जो वेस्टर्न स्टाइल हैं, वेस्टर्न टेक्निक्स हैं, उसको भी कहीं ना कहीं अपनाते जा रहे थे। वो भी दिखा रहा था कि वो भी वो वेस्टर्न चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो गए हैं। जैसे कि रवि वर्मा की एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है जिसमें इन्होंने एक केरला के घर के परिवार की एक पेंटिंग करी हुई है, जिसमें कि जहाँ जहाँ तक कि उस समय जो हमारा ट्रेडिशन था वो एक जॉइंट फैमिली सिस्टम था और उसमें जो केरला में जो लाइफ है वो मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, लेकिन उन्होंने जो एक जो जो पिक्चर बनाई है उसमें फादर मदर और बच्चों की बनाई है, जिसमें जॉइंट फैमिली का कहीं पे भी कहीं नामो निशान नहीं है और वो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी इन्होंने दिखाई है जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता था। तो ये एक ये दिखाता है कि जहाँ आर्टिस्ट भी थे वो भी कहीं ना कहीं इनसे इन्फ्लुएंस हो गए थे। अब आते हैं हम लोग टॉपिक में वेस्टर्नाइजेशन एंड सेंसिटाइजेशन। अब कल्चरल चेंज ड्यू टू कॉलोनियल रूल आल्सो टुक प्लेस इन अवर सोसाइटी। तो जो कल्चरल चेंज है वो हमारी सोसाइटी में जो जो कॉलोनियल रूल है उसने और सब बहुत सारी चीज़ें तो करी ही करी, उसके साथ जो है हमारे जो कल्चरल चेंज भी कॉलोनियल रूल के कारण आ गया। इन द कॉन्टेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट ऑफन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जनरेशन आर सीन एज कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम वेस्टर्नाइजेशन। तो अगर हम आज के हिसाब से देखें तो अगर देखा जाता है कि जो जनरेशन गैप जो आ रहा है या फिर एक जनरेशन से लेकर जो दूसरे जनरेशन के बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि जो नई जनरेशन है वो वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट करती जा रही है और जो पुरानी जो जनरेशन है उसके जो वेस्टर्न कल्चर का एक्सेप्टेंस इतना नहीं है और इसी कारण जो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट आता जा रहा है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन अभी भी चालू है। अकॉर्डिंग टू श्रीनिवास, लोअर कास्ट वॉन्टेड टू बी सेंसिटाइज, अपर कास्ट वॉन्टेड टू बी वेस्टर्नाइज। तो ये जो श्रीनिवास, जैसे कि पहले भी बता चुके हैं कि एक सोशलिस्ट हुआ करते थे एम एन श्रीनिवास, तो उनके हिसाब से जो लोअर कास्ट के लोग थे उनकी इच्छा थी सेंसिटाइज होना, मतलब वो चाहते थे कि वो जो कास्ट हायरार्की है उसमें कहीं ना कहीं वो ऊपर जाने का उनको मौका मिले। तो लेकिन जो अपर कास्ट थे वो चाहते थे, क्योंकि हमेशा जो भी इंसान है वो चाहता है कि वो अपने जिस लेवल पे भी है उससे ऊपर जाए। तो जो अपर कास्ट के लोग थे वो वेस्टर्न लोगों को अपने बहुत अच्छा मानते थे, बहुत डेवलप्ड मानते थे, बहुत पढ़ा लिखा मानते थे, तो वो चाहते थे कि वो भी किसी ना किसी तरीके से वो भी वेस्टर्नाइज हो जाए। इसीलिए उनका उनकी पूरी कोशिश थी कि वो उनके जैसे कपड़े पहने, वो उनके जैसे रहन सहन करें। तो वही जो तरीका था, इसी कारण फिर लोगों के घरों में सोफ़ा, फ्रिज, टीवी और लिविंग रूम और उनके जैसे वेस्टर्न कपड़े पहनना, वो इसी तरीके से धीरे धीरे वो कल्चरल चेंज आना शुरू हुआ, क्योंकि अपर कास्ट की जो डिज़ायर थी कि वो वेस्टर्नाइज हो जाए। इंडिया इज़ अ कंट्री विद डाइवर्सिटी, सो जनरलाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल। इसमें जैसे कि एक और चीज़ बताई कि हम किसी इंडिया एक ऐसी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है जिसमें कि एक तरीके के लोग नहीं हैं, इतने सारे कास्ट, क्लास, जेंडर, सब कुछ डिफरेंसेस इतने अवेलेबल हैं कि किसी भी एक कॉन्सेप्ट को हम बोल ही नहीं सकते कि ये कॉन्सेप्ट ही लागू होएगा। फॉर इंस्टेंस, तियास कम्युनिटी इन केरला विच फॉर नॉट अपर क्लास डिड एफर्ट्स टू वेस्टर्नाइज एंड टू हैव अ कॉस्मोपोलिटन लाइफ दैट क्रिटिसाइज कास्ट सिस्टम। तो
इसमें इसमें जो एक्सेप्शन देखा गया है वो थियास कम्युनिटी केरला के हैं, जो कि लोअर कास्ट के माने जाते थे, लेकिन लोअर कास्ट के होने पर भी उन्होंने सांस्क्रिटाइज होने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने वेस्टर्नाइज होने की कोशिश करी, क्योंकि वो ये कास्ट सिस्टम का जो सिस्टम था उसी से ही वो हटना चाहते थे, वो दूर होना चाहते थे, और वो कास्ट सिस्टम को फेवर में नहीं थे। वेस्टर्न एजुकेशन ऑफन इम्प्लाइड ओपनिंग अप ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल इन नॉर्थ ईस्ट। और जो वेस्टर्न एजुकेशन था उससे जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न एजुकेशन का मतलब था कि उनके लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ जीवन में उनको कमाने के मौके उनके में बढ़ जाएँ। एग्जाम्पल, नागाज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद यूरोपियंस व कन्विंस दैट एजुकेशन वॉज अ ओनली वे टू गेट अहेड इन लाइफ। तो जो नागाज थे, जो जिनका यूरोपियन के साथ ज़्यादा उठना बैठना था, उनके मन में ये बात बैठ गई थी कि अगर किसी को आगे बढ़ना है तो उसको अपने एजुकेशन से ही आगे बढ़ना होएगा। तो फॉर देम इट वाज मोर देन अ गेटवे टू अपवर्ड मोबिलिटी। तो उनके लिए ये ऊपर आगे बढ़ने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा तरीका था। तो एज इन दैट रीजन ट्राइब्स लिव ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर। तो और वो एक यही तरीका नहीं था, मतलब उनका इट वॉज मोर देन समथिंग अपवर्ड मोबिलिटी, तो एक ऊपर बढ़ने का तो तरीका था ही था, आगे जीवन में अच्छा करने का एक तरीका था ही था, लेकिन उसके अलावा उनको उस वेस्टर्नाइजेशन से, वेस्टर्न एजुकेशन से कुछ और मिल रहा था। तो वो क्या मिल रहा था? इन दैट रीजन ट्राइब्स लिव्ड ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड स्पीक कम्प्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज। तो वहाँ पे जो लोग थे रहने वाले, उनका जो गुट था, वो करीबन एक ग्रुप जो था वो दूसरे ग्रुप से 20-20 किलोमीटर दूर रहता था, और उतनी दूरी में जो था उनकी जो लैंग्वेज तक बदल जाती थी। तो इनके पास कोई कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं था, कॉमन लैंग्वेज नहीं थी जिससे कि वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएँ। तो जो इंग्लिश जो एक लैंग्वेज थी वो एक ऐसी लैंग्वेज बन गई जिससे कि वो किसी भी एक दूसरे से आसानी से, वो एक दूसरे से भी बात कर सकते थे और दुनिया से भी वो बात कर सकते थे। और जो इंग्लिश थी वो उनके वहाँ के लोगों की एक आवाज़ बन गई, और इसीलिए वहाँ पे जो नागालैंड में उन्होंने अपनी जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज, उसको उन्होंने इंग्लिश चुना। अब न्यू फॉर्म्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, ऑब्जर्व द मैनी स्मॉल एंड बिग वेज दैट वेस्टर्नाइजेशन अफेक्ट आर लाइफ। तो अब जो वेस्टर्नाइजेशन है वो हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो अफेक्ट करता है। ब्रिटिश कॉलोनिज्म अफेक्टेड आवर लाइफ, ब्रिटिश कॉलोनिज्म ने भी हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अफेक्ट करा ही है। वेस्टर्नाइजेशन मेंट फॉर इंडियंस वॉन्टिंग टू बी लाइक द ब्रिटिश। वेस्टर्नाइजेशन इंडियन के लिए मतलब क्या था? इंडिया के लिए अगर आप वेस्टर्न हो रहे हो तो वेस्टर्न इंडिया के लिए दिमाग में एक ही चीज थी, ब्रिटिश। तो इंडियंस के लिए था वेस्टर्नाइज होना, मतलब ब्रिटिश की तरह होना। लेकिन अब जो ये वेस्टर्नाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अब बदलता जा रहा है। अब लोग जैसे जैसे अमेरिका पावरफुल होता गया, और जो अमेरिका की आपने पढ़ा होगा कि हेजिमनी जो हो थी वो बढ़ती गई, तो उस तरीके से अब लोग जो हैं दे डोंट लुक टुवर्ड्स ब्रिटेन, नाउ दे लुक टुवर्ड्स अमेरिका। अब वो वेस्टर्नाइज होने का मतलब है अमेरिका, अमेरिकनाइज हो जाना, ना कि ब्रिटिशर की तरह बिहेव करना। सो द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन अमेरिका इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ब्रिटेन। तो जब जो अमेरिका के जो डेट लिखने का तरीका है, जैसे कि 7/11, तो वो उन लोगों का जो जो तरीका है लिखने का वो तरीका अलग है। हम लोग जो लिखते हैं, हम लोग पहले डेट लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं, लेकिन उन लोगों का पहले मंथ आता है और फिर डेट आता है। तो ये अमेरिका ने अपने आप को अपना एक अलग शख्स, उन्होंने अपना एक अलग कल्चर बनाया, उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई ब्रिटेन से अलग करने की कोशिश करी इन्होंने, इसलिए उन्होंने अपना डेट फॉर्मेट भी उन्होंने अलग करने की कोशिश करी। और बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो अमेरिका की तरह फॉलो करते हुए वो भी इसी तरीके से वो फॉलो करती हैं, लेकिन हम लोगों ने अभी भी अपना डेट पैटर्न बदला नहीं है, क्योंकि अभी भी चाहे हमको स्वतंत्र हुए 70 साल हो गए, लेकिन हम गुलाम तो 150 साल के थे। तो इसीलिए वो जो छाप ब्रिटिशर्स ने हम लोग के दिमाग में छोड़ी है वो अभी तक हमारे दिमाग से मिटी नहीं है। ये बात दूसरी है कि जनरेशन्स टू जनरेशन्स बदल गई, लेकिन जो हम लोगों को एज अ
जनरेशन टू जनरेशन जो पास ऑन होता गया वो ब्रिटिश का छाप इतने स्ट्रॉन्ग है कि अभी तक वो मिट नहीं पाई। इसीलिए आज भी हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रिटिश के तरीक़ों से ही हैं कि हम लोगों के यहाँ लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, या फिर आप पहले वाले चैप्टर में पढ़ ही चुके हैं कि अगर हम ब्रेड ऑमलेट की बात करें तो वो भी जो हम लोग के हर एक छोटे से छोटे ढाबे में भी आपको ब्रेड ऑमलेट मिल जाएगा या कटलेट मिल जाएगा। ये सब क्या है, ये सब ब्रिटेन की छाप आज तक चालू हो रही है। या फिर हमारे जो गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो भी पूरा ब्रिटेन का उसी तरीके से ब्रिटेन के तरीके में ही है। हमारा एजुकेशन सिस्टम वो ब्रिटेन के तरीके में है, हमारा पुलिसिंग का सिस्टम वो भी ब्रिटेन के तरीके में है। तो चाहे 70 साल हो गए लेकिन गुलामी हमारी अभी भी चल रही है और हम उनके तरीकों से हम ऊपर नहीं उठ पाए हैं। हमने अपना तरीका भी नहीं डेवलप कर रहे हैं और लेकिन हम उनके तरीके के भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो ये दिखाता है कि हम लोग कितने, हम लोगों का ये जो इम्पैक्ट है कोलोनिज्म का इम्पैक्ट, वो एक एक जनरेशन का या फिर एक कुछ सालों का नहीं है कि 1 या 2 साल का, वो 70 साल से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन उनका इम्पैक्ट अभी भी हमारी सोसाइटी में चलता ही जा रहा है। इस तरीके से हम लोग कल्चरल चेंज का जो पार्ट 3 है वो ख़त्म करते हैं। अब हम आपके पास पार्ट 4 लेके आएंगे जिसमें कि हम आपको मॉडर्नाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन के डिफरेंसेस और उसके मतलब समझाएंगे, और इस तरीके से हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो अभी तक जो लोग अभी हमको न्यू ज्वाइन करे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ज़रूरत है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए, क्योंकि बहुत एफ़र्ट्स लगे हैं बनाने में, लेकिन अगर उतना ही व्यूअरशिप नहीं मिलेगा तो जो एक बनाने की जो एक क्रिएटिविटी और जो मोटिवेशन होता है वो उतना नहीं रह पाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करिए, अपने जूनियर्स को रिकमेंड करिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करिए। थैंक यू सो मच। चेंज का चैप्टर 2 अब है कॉलोनिज्म वॉट इन चेंजेस दैट ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो जो कॉलोनिज्म है वो ऐसे चेंजेस लाया था जिससे कि जो हमारी इंडियन सोसाइटी है उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, जो कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर में पढ़े हैं पैराडॉक्सेस ऑफ कॉलोनियल मॉडर्निटी। अब पैराडॉक्सेस क्या होता है? पैराडॉक्सेस ये होता है कि जो हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, जब हम ये वाला डेफिनेशन ये वाली चीज़ करते हैं तो हम बोलते हैं पैराडॉक्सेस। तो जो पैराडॉक्सेस क्या थे कॉलोनियल मॉडर्निटी के, जो